सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर आप भी फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुंबई के कुछ टॉप फार्मेसी कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। इसमें से भी गाइस कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी है जो कि महाराष्ट्र में अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भी टॉप 10 के अंदर जो है वो आते हैं। तो कौन से ये कॉलेज है एंड कितना ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जाता है, देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रही। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से ये टॉप मुंबई के फार्मेसी कॉलेजेस। तो नंबर 13 पे है गाइस यहाँ पे लोकमान्य तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, खारघर, नवी मुंबई। इसका इंस्टीट्यूट कोड है गाइस 3510। एंड अगर इसका हम कट ऑफ देखते हैं तो गाइस फर्स्ट राउंड में ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 93 के आसपास जो है वो गया था, ठीक है। एंड कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा है। बाकी कैटेगरीज का अगर देखते हैं तो थोड़ा कट ऑफ कम आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, बट अगर आपको 90 के ऊपर है तभी जाके आपको मुंबई के जो अच्छे कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस 12 नंबर पे ये है गाइस गहलोत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। ये भी आपको नवी मुंबई में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट कोड है गाइस इसका 3235। कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 94 के आसपास जो है वो कॉलेज टच हो जाता है फर्स्ट राउंड में ही। अदर कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा कम जो है वो जाता है, बट ओवरऑल जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा है एंड कॉलेज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो 90 के अबो जैसे बोला था, अगर 90 के अबो है तभी जाके आपको ओपन कैटेगरी में अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बाकी कैटेगरीज में थोड़ा जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है। एंड ये होम यूनिवर्सिटी के, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हो तो कट ऑफ आपको और भी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा आपको देखने को मिलेगा मुंबई में अगर आप एडमिशन लेते हो तो। नेक्स्ट है गाइज ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नवी मुंबई। ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। इंस्टीट्यूट कोड है गाइज इसका 3231। एंड कट ऑफ गाइज 95 या फिर 96 के आसपास जो है वो जाता है। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ और भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूंगा। तो वीडियो ज़रूर देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा पहले ही कि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा या फिर नहीं। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। नेक्स्ट है गाइज 10th नंबर पे ये है गाइज स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नवी मुंबई। ये भी एक अच्छा कॉलेज है एंड ये भी नवी मुंबई में आता है। इसका अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो 3200, इसका जो इंस्टीट्यूट कोड है वह 3230। एंड अगर कट ऑफ देखते हैं तो गाइज 96.56 के आसपास जो कट ऑफ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी जो है वो 95 के ऊपर ही जो है वो चीज़ें जाएगी, मतलब 95 के ऊपर ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। हो सकता है कैटेगरी में आपको कट ऑफ थोड़ा कम मिले, बट ओपन में तो आपको कट ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अभी बस हम टॉप 10 मतलब 10 के अंदर बस प्रवेश किया है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि 5वें 6वें नंबर का 96 कट ऑफ है, 10वें नंबर का जो कॉलेज है उसका 96 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जो टॉप के कॉलेजेस हो गए उनका कितना होगा, चलिए देखते हैं। फिर गाइज 9th नंबर पे ये ब्लू कलर में गाइज इसलिए क्योंकि ये टॉप 20 में आता है, मतलब अगर महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस देखोगे उसमें टॉप 20 में ये जो कॉलेज है वो देखने को मिलेगा। ये है गाइज HK कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जोगेश्वरी में ये कॉलेज है मुंबई में। अगर इंस्टीट्यूट कोड देखते हैं तो ये है गाइज 3234। एंड कट ऑफ देखते हैं गाइज तो 96.60 के आसपास जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल जाता है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में थोड़ा बहुत जो है वो कम हो सकता है। 8 नंबर पर गाइज यहाँ पे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चेंबूर, मुंबई में एक कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसका भी जो कट ऑफ है वो 96 के 97 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। कि आपको इन कॉलेजेस का डिटेल में जो रिव्यू है वो चाहिए, अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मैं आपको इन कॉलेजेस का डिटेल में जैसे फीस स्ट्रक्चर हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्लेसमेंट अच्छे है या फिर नहीं, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता देना कि क्या ऐसे वीडियोज़ चाहिए, एंड अगर चाहिए होगी तो कौन से कॉलेज का चाहिए वो भी बता देना। तो जल्दी आपको जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते गए नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, यह है गई 7th नंबर का भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेलापुर, नवी मुंबई। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है। अगर हम इंस्टीट्यूट कोड देखते हैं तो 3205 है एंड 97.83 के आसपास जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाता है। क्या पता इस बार 98 भी चला जाए, अपडेट मैं आपको ज़रूर दे दूंगा कट ऑफ्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस 6 नंबर का कॉलेज है गाइस मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मुंबई। ये भी एक बढ़िया कॉलेज माना जाता है। 98.49 के आसपास कट ऑफ हमें देखने को मिलता है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको जितने भी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे सारे 90, 95, 97 के आसपास देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें 90 के नीचे जो परसेंटाइल है वो मिले होंगे, तो वो क्या करेंगे। तो देखो गाइस, मैंने आपके लिए और एक जो लिस्ट है वो बनाई है जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इस लिस्ट में आपको 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको इनका कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कम परसेंटाइल है एंड कौन से कॉलेज टारगेट करना चाहिए तो इस लिस्ट का यूज़ करके आप कॉलेजेस को जो है वो टारगेट कर सकते हो एंड इसमें आपको और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अगर आप कन्फ्यूज हो कॉलेज से रिलेटेड तो इस लिस्ट का यूज़ करके आप जो है वो और सॉर्ट आउट हो सकते हो एंड कन्फ्यूजन आपका जो है वो कम हो सकता है। तो इस लिस्ट को लेने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हो एंड इसका जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो अपना ऑप्शन फॉर्म वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते गाइस नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर। तो ये गाइस 5th नंबर का कॉलेज एंड ये रेड कलर में इसलिए गाइस क्योंकि ये टॉप 10 के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में जितने फार्मेसी कॉलेजेस होंगे उसके टॉप 10 की लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो उनमें गाइस ये जो कॉलेजेस है वो लाए करते हैं, इसलिए ये रेड कलर में। तो ये है गाइस सी यू शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी फॉर वुमेन, मुंबई। वुमेन्स के लिए कॉलेज है, ठीक है, बॉयज एडमिशन नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर कम रहेगा। इंस्टीट्यूट कोड है गाइस 3017। कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 98.71 के आसपास जो है कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो और भी थोड़ा ज़्यादा जो कट ऑफ वो आपको देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं इन कॉलेजेस का। 4th नंबर पे आएगा यहाँ पे नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुंबई। ये पिछले साल अगर देखा जाए तो ये 5th नंबर पे आ रहा था अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, इस बार 4th नंबर पे आ रहा है। थोड़ा जो कट ऑफ है वो इसका बड़ा है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों जो कॉलेजेस है वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये जो 5th नंबर का कॉलेज है ये भी बहुत बढ़िया एंड जो 4th नंबर का ये भी बहुत अच्छा है। बट ये 5th नंबर का जो है वो गवर्नमेंट एडेड है, तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करेंगे प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको जो 5th नंबर का कॉलेज है वो और भी बढ़िया जो है वो लग सकता है। परसेंटाइल वाइज गाइज जो 4th नंबर का कॉलेज है ये 5th नंबर से थोड़ा ऊपर जो है वो जाता है। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पे भी आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। 98.79 जो कट ऑफ है वो गया था सेकंड राउंड थर्ड राउंड में, थोड़ा बहुत जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है बट ज़्यादा चांसेस नहीं होते कम होने के। नेक्स्ट कॉलेज अगर हम देखते गए तो ये 3rd नंबर का कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। गवर्नमेंट एडेड भी है, फीस स्ट्रक्चर भी कम रहेगा। अगर कट ऑफ देखते हैं तो गाइस यहाँ पे 99 जो है वो अब टच होना शुरू हो गया है। 99.14 यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर कॉलेज मिलता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है, प्लेसमेंट भी ओवरऑल आपको जो है वो अच्छे खासे मिल जाएंगे। 2nd नंबर पे अगर हम देखते हैं गाइस तो ये है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। ये गाइस गवर्नमेंट एडेड भी है एंड ऑटोनॉमस भी है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है। कॉलेज मिलता है तो प्लेसमेंट वगैरह के ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट वही कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहेगा। परसेंटाइल आपको बहुत अच्छे लगेंगे तभी जाके आपको ये जो कॉलेज है वो मिल सकता है। 99.71 के आसपास जो है वो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, तो सोच सकते हो कितना हाई है। तो रैंकिंग्स में अगर हम देखते तो रैंक्स भी आपको अच्छे खासे लगेंगे, तभी जाके आपको ये जो कॉलेज है वो मिल पाएगा। एंड अगर नंबर 1 कॉलेज देखते हैं गाइज तो ये गाइज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा, मुंबई। ये भी एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। जो गवर्नमेंट एडेड है गाइज इनका मतलब गवर्नमेंट कुछ फंड से देती है, तो इनका जो अगर हम क्या बोलते हैं उसे फी स्ट्रक्चर देखते तो थोड़ा मतलब मीडियम रहता है, बट जो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज रहता है इनका जो फी स्ट्रक्चर वो बहुत ही कम रहता है। साथ ही में ऑटोनॉमस है तो फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी। एंड पूरे महाराष्ट्र में देखते तो गाइस महाराष्ट्र में भी ये नंबर 1 कॉलेज माना जाता है फार्मेसी के लिए, तो ज़रूर गाइस इस कॉलेज के लिए आप जो है वो जा सकते हो, बट वही जा पाएंगे जिन्हें अच्छे परसेंटाइल है। आप देख सकते हो कि राउंड 1 में 99.92 परसेंटाइल का जो है वो गया था एंड इसमें गाइस आपको सारे रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 ऐसे 10 तक 12 तक 24 तक सारे रैंक वाले जो स्टार्टिंग वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना मेरिट वाले वो सारे आपको इसी कॉलेज में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इसके लिए आप जा सकते हो, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है तो अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा एंड प्लेसमेंट के भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियोज़ चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। साथ ही में अगर आपको परसेंटाइल कम है या फिर आपको और कॉलेजेस के ऑप्शन देखना है तो इस लिस्ट को ज़रूर ले सकते हो, इससे भी आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव